मार ले ले काला काला काजल बिया दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया। वो भी ऐसे ही का शायद। दोस्तों आज हम रिएक्शन करेंगे दो सॉन्ग पर। पहला है हल्का साउंड बाय खेसारी लाल यादव और दूसरा है नीलकमल सिंह का दिल्ली वाली 2.0। तो भैया दोनों गाने ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक 10 पर एक 12 पर। तो आज हम ट्रेंडिंग स्टार्स के गाने भी रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि भाई नीलकमल सिंह तो आजकल ट्रेंडिंग में ही चल रहे हैं और ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है खेसारी लाल यादव को। तो ट्रेंडिंग स्टार्स के इस गानों पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहले एक काम करते थे, जो पुराना सॉन्ग है नीलकमल सिंह का दिल्ली वाली 2.0 और उसको देख लेते हैं और शुरू कर देते हैं बिना टाइम के। सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ओके सारेगामा कारवा 2.0 हमरो से बेसी हुत पागल बिया दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया मार ले ले काला काला काजल बिया दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया। जैकेट पहने बहुत भारी चल जाइया होठ चुना मुनिया लगे लहर मुनिया बोले ल तो सर गम साजे गीत तो हमारे ला राम जी से मांगल पिया। अरे पाँव में पहिरी ले छागल बिया दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया। क्या बात, हमरो से बेसी हो तो पागल बिया यार। बच्चे के गाने सुनते हो मजा ही आता है यार, लेके भागल बिया वैरायटी लेके आते हैं वो। ये और कौन सा म्यूजिक है, अलग जो चार म्यूजिक चेंज हो गए हैं इसके अंदर। बीच में नागिन आया था। गंगा जी के पानी खानी रहे पवित्र लागे ले होट जैसे ही हीटर अंधर बरस के धीरे धीरे हंस के बस गल दिलावा के भीतर नील कमल खाती रात भर जा गल बिया तो दिलावा में फोटो लेखा टांगल बिया दिल्ली वाले दिल लेके भागल बिया हमरो से बेसी हो तो पागल बिया आ दिल्ली वाले दिल लेके भागल बिया। अच्छा गाना था भाई, पूरा पूरा एंगेजिंग गाना था, पूरा इंडिया हिलेगा इस पे तो। हाँ भाई पूरा हिलेगा, वो पिछला वाले भी बहुत बढ़िया था और ये उससे भी बढ़िया था। और इसके अंदर जो ट्यूनिंग जो थी ना वो बहुत, इसका कंपोजिशन था ना वो नेक्स्ट लेवल था यार। किस तरह से इस गाने को इंक्रीम, मतलब वो कहते हैं ना आखिर तक बांध के रखने वाला, ये वो गाना है, ये आखिर तक बांध के रखा इस गाने ने। और जिस तरह से नीलकमल सिंह ने एंजॉयमेंट के साथ इस गाने को गाया है, फैबुलस, तारीफ लेना। फैबुलस यार, तारीफ करना तो बंद ही है, नो डाउट यार। ये बंदा, हमने कल भी एक गाना सुना था और आज भी ये गाना सुना, मजा ही आ जाता है। कंपोजिशन कमाल का होता है इनके गानों का, एकदम अलग होता है भोजपुरी इंडस्ट्री से जो गाने बनते हैं, टिपिकल से बहुत अलग होते हैं। एक डुबुक 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 वो चीज पे डाल दे, मालूम ही नहीं पड़ती कि हेवी की नहीं है इसके अंदर। चलो अगला देखते हैं। वैसे मुझे यकीन है ये प्योर भोजपुरी सॉन्ग आ ही गया होगा वापस, हल्का साउंड। खेसारी लाल यादव तो वही सॉन्ग लेके आ रहे हैं आजकल,
देखते हैं इस बार कुछ नया किया है क्या। शुरू करते हैं अभी। इस बार कुछ नया लग रहा है। वही है, वही स्टार्टिंग है ट्यून। अभी बेस बनेगा दो लाइन से। स्लो मोशन में काहे दिखाया यार, फटाफट दिखा देते। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा भाई। चुपचाप। अच्छा था अभी गाना। अच्छा गाना तो अच्छा था, एंटरटेनिंग तो था। कुछ भी कहो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंटरटेनिंग तो था। कुछ लिरिक्स में शरीफ लिरिक्स थे यार, कि राजा जी तुम नीचे रहो हम ऊपर रहे, बाकी स्वागत सुपर बनी। क्या मतलब क्या था इसका, कि हम ऊपर वाले कमरे में रहेंगे नीचे वाले? पर इससे सुहागरात सुपर कैसे बनेगी? बड़ा हरामी हो बेटा। ये थोड़ा समझ के बाहर था, बाकी ठीक है। जिस ऑडियंस के लिए बना है वो ऑडियंस तो देख रही है, तभी नंबर पे ट्रेंडिंग 10 पे चल रहा है। बाकी केसरी लाल यादव के जो फैंस है ना, वो इतने कट्टर है कि अगर वो बस एक साइलेंट वीडियो भी अपलोड कर देंगे ना यूट्यूब पर, साइलेंट वीडियो जिसमें कुछ भी नहीं बस यूं बैठ के देख रहे हैं, तो उस पे भी 1-2 मिलियन तो व्यूज आ ही जाएंगे। भाई अभी अभी ना हमने सलमान खान का एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, जिसपे वो एक बहुत ही क्रिंजी गाना गा रहे हैं, ढिंचक पूजा की याद दिला रहे हैं का गाना है। तो आप सोच लो कैसा गाना होगा। वहाँ सलमान खान के फैंस कमेंट कर रहे, एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया भाई ने गाया तो एक नंबर। और ये वाली बात भी बोली थी, अगर भाई में आपका फैन नहीं होता ना, बस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। भाई मैं आपका कट्टर फैन हूँ, बस इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। वही वाली चीज यहाँ पर आ रही है, बस खेसारी लाल यादव के जो फैन है उनसे भाई थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक फैन फिल्म है खेसारी लाल यादव। तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ ये हम सोच रहे हैं कि भोजपुरी में कुछ अलग हटके गाने आए, लेकिन कुछ जिनों से हम देख रहे हैं कुछ ही कुछ जो मोर देन अदर देन जो दूसरे स्टार से एक्ट सिंगर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे गाने ला रहे हैं। लाइक नील कमल सिंह ले लो,
और भी भोजपुरी चैनल से जो अलग सिंगरों को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से मंझे हुए कलाकार है लाइक पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, कुछ नया नहीं, ये कुछ नया नहीं कर रहे, ये चलते जा रहे, रिपीटेशन वही पुराना टोन, वही पुराना म्यूजिक, वही पुराना पति पत्नी का प्यार दुनिया को दिखाने वाला सीन, वो सुहागरात ऊपर नीचे पता नहीं क्या, ये इस टाइप के गाने लेके आ रहे हैं। आई डोंट नो यार, लोग यही चाह रहे हैं उन्हें देखना तो फ्लॉप हो रहे तो वापस वही गाने लेके आ रहे हो कि भाई गाने अभी चल नहीं रहे तो एक काम करो फिर से वही जिसमें अपन हिट हुए वही फिर से करते, लेकिन एक टाइम होता है कि एक टाइम चला जाता है यार। खेसारी लाल के सच्चे फैन होना तो प्लीज़ ये बताना कि आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का टाइम अब जा चुका है, इससे अब उठ के ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई जो उनको देखने वाली थी, अब वो बच्चे नहीं रहे या फिर इतना तो नहीं है, कम से कम थोड़ा टेस्ट तो चेंज हुआ है मुझे लगता है, काफी हुआ है थोड़ा, बहुत सारों का चेंज हुआ होगा। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वाला भी और पहले वाला भी, दोनों में सबसे ज्यादा आपको कौन सा गाना पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। जरूरी नहीं है कि आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो जरूर खेसारी लाल यादव के ही नाम लो, लेकिन जो भी सॉन्ग दोनों में से आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बता रहा, ये कोई कंपैरिजन नहीं है लेकिन फिर भी एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किस तरह के गानों की जरूरत है हमें भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, जो पहले आया था उस तरह का या ये जो बाद में आया इस तरह का, जिसमें कुछ यूनिकनेस हो, कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, तो कि डुबक 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 लव लपटा जो भी है, ठीक है। बाकी ये हमारा रिएक्शन, ये हमारे रिव्यूज, ये हमारे पर्सनल व्यूज है, इसमें हम नहीं चाहते कि कोई अपने किसी स्टार को गाली दे या कुछ बोले किसी स्टार के बारे में, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, सबको रिस्पेक्ट है, सबको रिस्पेक्ट है, ठीक है। कैसा लगा यादव को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत किया, ठीक है। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, चलिए लाइक से सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।